चल रहा है। हमारे यहाँ भारी भरी प्रसाद के कारण लखौली में जो मरवा पड़ा था जो हमने काम किया है उसके लिए सभी क्लब करने के सभी ने योगदान किया। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डीपीएफ डुडो परेड सिंदोटी के युवा क्लब का प्रेस सचिव जसविंदर कुमार। आज हमारी युवा क्लब की टीम ने मिलकर एक बोड़ी की सफाई की जो बारिश के कारण ज़्यादा बारिश के कारण मलबा था बोड़ी के अंदर पड़ गया था और हमारे युवा क्लब की पूरी टीम ने मिलकर एक साथ होकर बोड़ी की सफाई की और आगे भी हमारी युवा क्लब की टीम है जो ऐसे कार्य करती सामाजिक कार्य करती जाएगी। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं युवा क्लब टी पी एफ जुड़ो पटेल संदोटी के युवा क्लब का प्रधान नितेश कुमार। आज हमारी युवा क्लब की टीम जिसमें उप प्रधान सिंदर कुमार और सचिव हुक्मचंद, प्रेस सचिव जसविंदर कुमार, कोषाध्यक्ष राकेश कुमार और अन्य युवा साथी भी हमारे साथ आज एकत्रित होकर हमने जो ये पीने का स्रोत था इसको संवारा, जो कि यहाँ पर भारी बरसात होने के कारण जो ये पुलियाँ हैं सामने तो ये बिल्कुल ब्लॉकेज हो गई थी, जो कि ऊपर से बहुत मलबा भी आया। इस कारण से जितना भी मलबा था वो सारा बोरी के अंदर चला गया, जो कि पानी पीने का है और यहाँ पर ज़्यादा समस्या हो रही थी, जिस कारण से दो दिन से बिल्कुल पेंडिंग पड़ा हुआ था। तो हमारी युवा क्लब की टीम दो दिन से लगे हुए हैं, आज हमने इसको फाइनल किया, जो कि स्वच्छ की साफ सुथरा स्रोतों की सफाई की। तो इसी तरह हम आगे भी अपनी युवा क्लब की टीम मिलकर इसी तरह सामाजिक कार्यों में योगदान देते रहेंगे। तो सभी से अनुरोध है कि ये पुराने प्राचीन जो ये पीने के स्रोत हैं इनकी सफाई करें और इन पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि ये पानी बहुत ही स्वच्छ होता है और पीने में भी स्वाद लगता है। अगर देखा जाए तो ये पानी नेचुरल पानी है, प्राकृतिक पानी है, तो इनकी हमें मिलकर जुलकर इनकी सफाई करनी चाहिए। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत।